बिहार की सियासत ने एक बार फिर से अपना रंग बदला है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से किनारा करते हुए बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना ली। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बिहार में हुए इस बड़े खेल ने एक बार फिर से इंडी महागठबंधन और कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। नीतीश ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा है, उससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन और कमजोर पड़ गया है। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने को लेकर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कई मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर लताड़ते हुए नजर आते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि इंडिया गठबंधन अपनी स्थापना के बाद से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहा। उन्होंने कहा कि उसे वायरस लग चुका है, इंडिया गठबंधन आईसीयू में चला गया है, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और अब नीतीश कुमार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन का आगे क्या होगा, इसको लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गुरुजी, नीतीश जी चले गए, क्या अलायंस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस पार्टी के अलावा ये सबको पता था कि नीतीश जी जाएंगे और वो चले गए। जहां तक सवाल है रोकने की, उनको रोकने का, तो कांग्रेस ने तो सिंधिया को रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस एक महान पार्टी है, वो किसी को नहीं रोकना चाहती, जो जाना है चला जाए। आरपीएन सिंह को भी नहीं रोका गया, जितिन प्रसाद भी चले गए उन्हें भी नहीं रोका गया, सुष्मिता देव गई उन्हें नहीं रोका गया, अशोक तंवर गए उन्हें नहीं रोका गया। ऐसी एक लंबा सिलसिला है, कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है, जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे? 24 का इलेक्शन है, किस तरीके देखेंगे उसको अलायंस को? देखिये, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया, और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।